हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। आज हम लोग हिंदी में VBI मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही मॉडल सेट आपको बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तो इस वाक में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। तो बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक में बुढ़ापा क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो क्या होता है, चार भेद होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपने क्या खाया है, इस वाक में क्या कौन सा सर्वनाम है। आपने क्या खाया है, इस वाक में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भविष्यकाल के कितने प्रकार है, भविष्यकाल के कितने प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, तीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दयोदन का संधि विच्छेद क्या है, दयोदन का संधि विच्छेद आपका क्या है। तो क्या हो जाएगा, दधि जोड़ ओदन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राम ने भिखारी को पैसे दिए इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपको इसमें, संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष में कौन सा समास है, लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन में आपका कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे निर्जन है में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, नीर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है ना, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सोनीत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है ना, ए किस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऐ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक शुद्ध है, यानी कौन सा वाक शुद्ध दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके दर्शन कब होंगे, ऑप्शन नंबर बी है मैंने यह काम करा है, ऑप्शन नंबर सी है प्यास से होठ सूख रहा था, ऑप्शन नंबर डी है मेरा बात सुनो। तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, आपके दर्शन कब होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, चोरी करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है, चोरी करना है ना, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, देखिए जो शुद्ध बोल रहा है, सही कौन सा शब्द है लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, हितैषी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो ईम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अष्टाधायी में कौन सा समास है, अष्टाधायी में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे देखने से ही लग रहा है दीर्घु समास, क्या है, दीर्घु समास, यहाँ पे आठ लिखा हुआ है ना, अष्टा मतलब क्या है, दीर्घु समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है, देखिए भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका,
इसमें हो जाएगा जाति प्रथा। यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, भारत में जो बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है ना, अप्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा। यहाँ पे क्या है, जाति जाति में बटा हुआ है भारत में, इसलिए बेरोजगारी का ये वही प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेड़ का कमरा किसकी रचना है, पेड़ का कमरा जो है किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी है अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्र। तो पेड़ का कमरा जो है किसकी रचना है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दही वाला मंगवा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, कवित्री जो है अनामिका का जन्म कब हुआ था। तो किसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 1961, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि घनानंद का भाषा क्या है, घनानंद की भाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी है पाली। तो घनानंद की भाषा जो है आपका क्या है उसमें, तो क्या हो जाएगा ब्रजभाषा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो क्या हो जाएगा, खोखा के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार, तो खोखा के अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा से अनूदित है, ढहते विश्वास विश्वास किस भाषा से अनूदित है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, उड़िया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उड़ीसा है ना, उड़ीसा में उड़िया भाषा चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किसकी किस कवि की पंक्ति है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा रेनर मारिया रिल के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा कि एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा बनलता सेन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आध्यात्मिक शिक्षा के गांधी जी का क्या अभिप्राय है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के का क्या अभिप्राय है, यानी क्या अर्थ होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, हृदय की रक्षा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आबिनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने कितने गद की रचना की है ना, गद की रचना की है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 27 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनूदित कहानी है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा राजस्थानी, राजस्थानी क्या है, राजस्थान का भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पापती को कौन सा रोग था, पापती को कौन सा रोग था। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मेनिनजाइटिस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मेनिनजाइटिस। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा studybee.in, इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।